जी गाड़ी से यूं नहीं आए, पुल को देखने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे विदेश में आए हुए हैं। नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं वजीराबाद के ऊपर, जिसको देखने के लिए बाहर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये बिल्कुल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक पुल है, जिसको बनने में लगभग 15 साल के आसपास लग गए। यहाँ पे 15 साल लग गए हैं इसको बनने में, और जिस पे सियासत भी कांग्रेस, बीजेपी और सभी आम आदमी पार्टियों की रही है। तो यहाँ पे लोगों से पूछते हैं, उनको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये पुल देखकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो जाम लगता था, दो दो तीन तीन घंटे हम लोग ट्रैफिक में फंसे होते थे, अब उससे निजात मिल गई है जी। और दिल्ली में एक ये मान लो आप दूसरे कुतुब मीनार बन गया है जी। ये भी देखने आए थे हम, सिर्फ पुल देखने आए हैं कि कैसा है पुल। इससे पहले ही कोई सर्विस से एक्सेल टेस्ट लग जाए इसके ऊपर, ठीक है ना, तो इससे पहले पुल को देख लिया जाए। कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा, क्योंकि हम यहाँ घंटों फंसे रहते थे। अच्छा, अब बहुत राहत मिलेगी हमें इसकी, बड़ी बहुत दिनों से हमें वो थी कि चालू हो, आज हम आए इस पे और बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या स्टूडेंट है? क्या है स्टूडेंट है आप लोग? सर जी हमें इतना अच्छा लग रहा है कि समझ लो दिल्ली का जाम पूरा खुल गया। ये दिल्ली की जनता है जो बता रही है कि आज हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग किसी घंटों जामों में लगे रहते थे, अब हमें कहीं राहत की सांस मिलेगी। तो यमुना पार वालों के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सौगात है, दिवाली से पहले इस पुल को खोल के कहीं ना कहीं इधर के जो यमुना पार के लोग हैं उनको एक बहुत अच्छी क्रांति तरीके से रूप मिला है। अभी कैसा लग रहा है? पुल को देखने के लिए, ऐतिहासिक पुल को देखने के लिए, जिसको 15 साल लग गए, आज यहाँ पे पूरे लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। कौन से स्कूल से हैं आप? सर अरुण मॉडल पब्लिक मॉडर्न स्कूल से। आज स्कूल नहीं गए सर, गए थे, फंक्शन था। आज फंक्शन था तो इन्होंने कहा कि क्यों ना आज पुल को देख लिया जाए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सेल्फी ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया की एक अजूबा तौर पे। कहीं आपको इसको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा हम विदेश में आ गए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? जैसे लंदन में कैसे ब्रिज है उसकी तरह ही लग रहा है। बढ़िया लग रहा है जी, फर्स्ट क्लास लग रहा है जी। लगता है कि ईस्ट दिल्ली को राहत मिली है, बहुत ज्यादा, बहुत जाम से भी, और इसका विकास नहीं हुआ था इस क्षेत्र का। जैसे शकरपुर वगैरह का विकास हुआ है, लक्ष्मी नगर का विकास हुआ है, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा रह गया, लेकिन इस पुल से इस क्षेत्र का विकास होगा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है मैडम? जी मुझे तो ये दिवाली का गिफ्ट लग रहा है जी। हैप्पी दिवाली असली यही है, भजनपुरा वालों के लिए, जमुना पार वाले के लिए ये पुल चालू हो गया जी। बहुत ही खुशी हो रही है। आप यहाँ से निकलते थे, अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम जी, और दिवाली का गिफ्ट है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर, और सबसे बड़ी बात है इससे सर्विस मैन को बहुत फायदा होगा, क्योंकि लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे जी, और उनको रोज क्वेश्चन किया जाता था कि आप टाइम पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट सर्विस क्लास को होगा, इस सर्विस क्लास को होगा। विकास ये कह रहे हैं बॉस की डांट भी नहीं पड़ेगी, बच्चे लोग स्कूल टाइम से पहुंचेंगे सभी लोग। कैसा लग रहा है वैसे आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे तो पेट्रोल बचेंगे, बल्कि मेरे तो आधा लीटर पेट्रोल इसमें फूक जाते थे और लेट होता था। समस्या कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी ज्यादा था, तो अभी पॉल्यूशन भी लगता है इससे कम होगा, बहुत कम होगा पॉल्यूशन जो है निकलने पे। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत जाम खत्म हो गया इधर का जी, बहुत जाम लगता है हम लोगों को, और बहुत ही यहाँ के लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है कि इन लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें इन्हें लगता है कि अब पॉल्यूशन से राहत मिलेगी, जाम से राहत मिलेगी, पेट्रोल भी बचेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरी बहुत तमन्ना थी जब ये बन रहा था, तो मैं सोचता था कि मैं कभी कब कब बनेगा, कब मैं इस पुल से गुजरूंगा, और मैं आज इस पुल से गुजर रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अर्थ हो रहा है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। बढ़िया, दिल्ली के अंदर में बहुत बढ़िया पुल बना है। लगता है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं विदेश में आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं आप बताएं? ऐसे ही महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप फोटो वगैरह भी लेंगे यहाँ पे? जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, अमजद जी कैसा लग रहा है आपको इस पुल के ऊपर आए हैं आप? मैं देख रहा था आप पैदल पैदल चलते हुए आ रहे थे, तो क्यों पैदल आ रहे हैं, गाड़ी वगैरह से कैसे नहीं आए? जी गाड़ी से यूँ नहीं आए, पुल को देखने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे विदेश में आए हुए हैं हम लोग, विदेश में आए हुए हैं जी। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कहीं इससे कुछ खुशहाल होगी यमुना पार जी? बढ़िया, राहत मिलेगी ना यहाँ से, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन वगैरह भी दूर होगा और पेट्रोल भी बचेगा लोगों का। नहीं मोहम्मद भाई कैसा लग रहा है इस पुल के ऊपर खड़े हो गया? बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे। मैं आई एम ऑलरेडी सिविल इंजीनियर, मेट्रो प्रोजेक्ट NSP को देख रहा हूँ। मैं अपने अभी ऑफ करके यहाँ पे पुल देखने आया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज ईस्ट दिल्ली की जनता पूरी यहाँ पर पुल को देखने आई है, फोटो खिंचवाने आई है। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था 70 साल में जी सबने कहा, हमने सरकार बनाई, हमने ये कराया, ये 70 साल में पहला पुल है, ये किसी भी सरकार ने बनाया, चाहे बीजेपी ने बनाया, चाहे आम आदमी ने बनाया।
राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये 70 साल में आज इन देश के अंदर 70 साल के अंदर एक ऐतिहासिक पुल बना है। अंग्रेजों के बाद अगर कोई अच्छी चीज बनाई है सरकारों ने तो लगता है ईस्ट दिल्ली के अंदर ये पुल बनाया है। क्या बता रहे हैं, बागपत शामली तक जी, करनाल तक जी, किसी सरकार ने ऐसा किसने भी बना दिया है जी, ये जिसने बना उसके अच्छा काम है। पार्टियों की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात नहीं करेंगे। देश का अनोखा सबसे देखने लायक ब्रिज है, ऐसा ब्रिज देश में पूरे देश में कहीं नहीं। हमारे यहाँ पुल बना था पानीपत का, लेकिन वो पुल भी ऐसा नहीं है जैसा बना, ऐतिहासिक पुल बना, ऐतिहासिक पुल बना, ये जिसने बना दिया हम नहीं करते। भाई साहब का कहना है कि 71 साल के अंदर अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो एक अंग्रेजों के बाद कोई अगर ऐसी चीज बनी है तो वो ये ईस्ट दिल्ली के लिए पुल बना है। मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस पुल से 10-11 साल से आना जाना कर रहा था, मेरा शक्तिनगर आना जाना था और मैं बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा आज ये कल ये पुल चालू हो गया। बताया कि मुझे अपने बॉस की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी, मैं टाइम से अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगा। और कोई भी पब्लिक ऐसी नहीं है जिसको नहीं अच्छा लग रहा हो, सब अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पुल पे खड़े होकर लोग सेल्फी ले रहे हैं, दूर दूर से इसको पुल को देखने आ रहे हैं। कहना है कि दिवाली की सौगात उनको मिल गई है इस पुल को देखे, और इस पुल से उनको बहुत राहत मिल रही है। हर एक ईस्ट दिल्ली के लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी है, अब वो टाइम से अपने ऑफिस पहुंच पाएंगे, चाहे स्कूल के बच्चे हों वो अपने टाइम से घर पहुंच पाएंगे, पेट्रोल बचेगा। और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पॉल्यूशन की, कहीं ना कहीं इससे भी पॉल्यूशन में राहत मिलेगी। कैसा लग रहा है आपको और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष तोमर है। बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली सरकार की तरफ से इसका कल उद्घाटन हुआ, कल इसको चालू कर दिया गया। आम जनता को इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, और जो परेशानी उधर होती थी वजीराबाद में कि घर से निकल के और ड्यूटी पे जाने में 5 किलोमीटर के एरिया में बंदे को 1.5 घंटा लग जाता था, 1 से 1.5 घंटा झेलना पड़ता था, अब उससे काफ़ी राहत मिलेगी। आप यहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे थे तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी चेहरे खुशी बता रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फॉरेनर उसमें होता है, विदेशी में आ गए हैं, तो ऐसा अच्छा लग रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है इस पुल के लिए, और पोल्यूशन तो खैर कंट्रोल होगा ही। अब मेरा नॉर्थ ईस्ट से जो लिंक है, जो टाइम टेबल है, उसके लिए हमें आप जो है वो 1.5-2 घंटे बर्बाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे पुल पे? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा। बाकी ट्रैफिकों से इतनी राहत मिल जाएगी बहुत ज़्यादा, कि ट्रैफिकों से जामों में जो 1-1.5 घंटे में जो जामों में फंसते थे ना, उससे परेशानी से हमें बहुत राहत मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी अच्छा हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कहीं विदेशी कंट्री में आ गए हम लोग, विदेशी कंट्री में, और दिल में खुशी हो रही है कि हमारे देशों में ये सब चीज़ें मिलती है, क्योंकि एंजॉय होता है, खुशी मिलता है। 15 साल जिसको लग गए पुल को निर्माण के लिए, कहीं ना कहीं दिन रात पुलिस भी उससे बहुत परेशान रहती थी, 24 घंटे जाम की कंप्लेन रहती थी। आज हमारे साथ हैं जितेंद्र जी जो वजीराबाद ड्यूटी पर हैं और जो पुल निर्माण के साथ। जितेंद्र जी कितना महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को, रिलीफ फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कुछ? आज काफ़ी रिलीफ है आज तो, क्योंकि ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है जी। और दिल्ली के अंदर आपको लगता है कि और पुलों का निर्माण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो पुल तो जितने अच्छे होंगे इतनी ट्रैफिक की सुविधा हो जाएगी जी। अभी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आप क्या एक सजेशन करेंगे जो लोग ट्रैफिक पे गाड़ियां चलाते हैं उसके लिए क्या बोलेंगे आप? इसके लिए सजेशन मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन यही है कि जो पॉल्यूशन वगैरह गाड़ियां चलती हैं तो कुछ लोग इकट्ठे होकर गाड़ियों को रेड लाइट वगैरह बंद कर दें और जॉइंट में गाड़ी यूज कर लें जी। आप थे जितेंद्र जी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हैं, और उन्होंने बताया कि अब कहीं ना कहीं हमें भी राहत की सांस मिलेगी।